हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीरियड के फर्स्ट दिन विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी लग सकती है क्या? आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें इस वीडियो में। तो देखिए, जब आप पीरियड के फर्स्ट दिन विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाते हैं तो इसमें प्रेगनेंसी के चांस आपको बिल्कुल भी नहीं होते। जी हाँ, क्योंकि आपके शरीर में एग मौजूद नहीं है, यानी कि अंडा मौजूद नहीं है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? प्रेगनेंसी के लिए चाहिए स्पर्म और ओवम, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी लगेगी। और आपके शरीर में इस दौरान अंडा है ही नहीं, ओवम मौजूद है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी कैसे लगेगी अकेले स्पर्म से? क्योंकि आपके जब पीरियड चल रही होती है उस दौरान आपके शरीर में एग मौजूद नहीं होता है। एग मौजूद आपके ओवुलेशन टाइम पे ही होता है, जो कि पीरियड से 14 दिन पहले ही हो जाता है, और वो 24 घंटे से 48 घंटे तक जिंदा रहता है, तो उस दौरान ही आपको प्रेगनेंसी लगती है। लेकिन आप पीरियड के दौरान, यानी कि पीरियड के फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन या फिर थर्ड दिन भी रिलेशन बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको खास ध्यान रखना होता है, आपको अगर आप बिना कॉन्डम के रिलेशन बनाते हैं तो स्टिल आप इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए आप बेटर ये रहेगा कि कॉन्डम का उपयोग करें, इन्फेक्शन आपको ना हो और वो बच्चेदानी तक ना पहुंचे। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह इस दौरान खुला रहता है, तभी जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, जो भी यूट्राइन लाइनिंग है, वो झड़ रही होती है, इसीलिए बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होता है, तो अगर इन्फेक्शन होगा तो ऊपर तक भी जा सकता है। इसलिए आपको प्रोटेक्शन यूज करना है जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन प्रेगनेंसी की जहां तक बात है तो प्रेगनेंसी आपको यहां पे बिल्कुल भी लगने के चांस नहीं होते हैं पीरियड के दौरान, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उस दौरान आपके शरीर में एग मौजूद नहीं है और प्रेगनेंसी के लिए एग का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आगे भी हम इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।